काशीनाथ इंटरटेनमेंट चैनल के सभी हमारे सम्मानित श्रोतागण, दर्शक साथियों, आपका सादर अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र आपके सामने करने जा रहा हूं जो घटना हमारे आंखों के सामने हुई है। मैं इस कहानी को भूल गया था, लेकिन आज जब हमें 9 जुलाई के निमंत्रण का कार्ड मिला और वो भी कार्ड बंबई से भेजा गया था, तो मुझे इस घटना का हूबहू मेरे दिल दिमाग में वह सिनेमा के तरह से चित्र घूमने लगा। इसी साल जनवरी का महीना मुझे भी बंबई जाना था कामायनी एक्सप्रेस से। एसी थर्ड क्लास में मेरा भी टिकट था और संयोग से एसी थर्ड में किनारे में 2 बर्थ होती है, हमारी 8 नंबर की सीट थी, मतलब मुझे सोने के लिए ऊपर जाना था। शाम के समय 6-7 बज रहे थे, सोने का समय अभी हुआ नहीं था, इसलिए आप जानते हैं कि एसी थर्ड में 8 लोग एक केबिन में बैठते हैं, 3 लोग इधर, 3 लोग इधर और 2 लोग उधर। उधर वाली सीट में ऊपर मेरी सीट थी, लेकिन मैं नीचे केबिन वाले में बैठ गया था और बैठ करके हम एक गजल पढ़ रहे थे। और वो गजल ये थी कि सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, दिल का मामला है जरा देखभाल के, मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के, यह कह के नई रोशनी रोएगी एक दिन, ये कह के नई रोशनी रोएगी एक दिन, अच्छे थे वही लोग पुराने ख्याल के। धीरे धीरे सारे यात्री अपने सीट पर आ गए। 3 नंबर पर 4 नंबर की जो सीट थी वह एक किरण नाम के लड़की की थी, जिसकी उम्र लगभग 26 वर्ष 27 वर्ष थी। सारे लोग बैठ गए, गाड़ी चलने को थी। उसी समय एक लगभग 31-32 वर्ष का नौजवान, एक 10-11 वर्ष की लड़की और उसके गोद में 2 महीने का बेटा आकर के नंबर 1 बर्थ पर बैठ गया। गाड़ी धीरे धीरे सीटी दी, बंबई की तरफ जाने लगी। आप जानते ही हैं कि जनरल क्लास में तो सारे लोग अपनी हालचाल पूछ लेते हैं, लेकिन एसी डिब्बे के अंदर जो यात्री यात्रा करते हैं अपने को जनरल बोगी वालों से सुपर मानते हैं, वो एक दूसरे से कम बात करते हैं। वैसे थर्ड एसी में कुछ बात भी कर लेते हैं, लेकिन एसी सेकंड में और एसी फर्स्ट में तो लगता है कि वो यही सोचते हैं कि इनसे हम बड़े हैं, इनसे हम बड़े हैं, कोई एक दूसरे से बात करना नहीं चाहता। खैर, गाड़ी आगे बढ़ी, धीरे धीरे कुछ लोग आपस में बातचीत किए। 1 घंटे गाड़ी चली थी। उसी बीच में जो नौजवान आया था उसका नाम पप्पू था,
जो 8-9-10 साल की उसकी लड़की थी, उसकी उसका आरती नाम था, और जो 2 माह का बच्चा था उसका तो नाम भी अभी नहीं रखा था, लेकिन राजू राजू कर रहा था, लगता था पुकारने वाला नाम इसने राजू रखा है। 1 घंटे के बाद वह लड़का चिल्लाने लगा, इतना चिल्लाने लगा। ट्रेन में कई किस्म के लोग यात्रा करते हैं, उसमें 2 हमारी महिलाएं भी थी उस केबिन में जिनकी वर्थ थी, 2 पुरुष भी थे, 2 वो थे, 1 हम थे। लड़का इतना चिल्लाया कि उस केबिन में बैठे हुए लोग उस पप्पू नाम के नौजवान को कहने लगे, भाई क्या कर रहे हो तुम, कैसे लड़के को ले आए हो, ये हमारी नींद में व्यवधान डाल रहा है, हम सोने के लिए AC 3rd में अपना टिकट लिए हैं, ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं पता नहीं। अरे भाई तुमको लड़के को चिल्लवाना था तो AC में नहीं आना था, जनरल बोगी में चले जाना था, बेचारा क्या करे। लड़के को चुप करा रहा था लेकिन चुप नहीं हो रहा था। 1-1.5 घंटे लगातार वह लड़का रोता रहा। आखिर बगल में जो 26-27 वर्ष की लड़की थी किरण, उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन जरूर उसके मन में एक दया आई कि आखिर है तो बच्चा, चाहे किसी का हो, 2 महीने का बच्चा है। अगल बगल सीट थे, उसने उस 2 महीने के बच्चे को लेकर के गोद में, और जो ही गोद में लेकर के बैठती है वो बच्चा चुप हो गया। थोड़ी देर तक वह उस लड़के को खिलाती रही, हिलाती रही, जब चुप हो गया तो उसने पप्पू को दे दिया कि लीजिए आपका बेटा अब सो जाएगा, उसने सुला दिया। बहुत लोग हेल्पिंग नेचर के होते हैं, सहयोगी मिजाज के होते हैं। उस किरण नाम की लड़की ने पप्पू से कहा, भाई साहब सीट आपकी 1 है और लड़का रो रहा है, भैया 1 आपके साथ लड़की भी है, ये आरती, बेहतर होता कि आप उस लड़के को लेकर के उस सीट पर सो जाते और इस लड़की को लेकर के मैं अपने सीट पर सो जाती। हुआ यही, पप्पू की लड़की आरती को लेकर के यह किरण सो गई, लड़का पप्पू के गोद में सो गया। जब ठीक 12:01 वह लड़का फिर चिल्लाने लगा, इतने जोर जोर से चिल्लाने लगा कि फिर लोगों की नींद टूट गई। अरे भाई नींद बड़ी बेशकीमती होती है। डांट करके एक महिला ने कहा कि खबरदार, या तो किसी दूसरे डब्बे में लेकर चले जाओ बच्चे को, वरना शांत कराओ। हमने भी हाथ जोड़ा कि भाई बच्चा है, रो रहा है, क्यों आप ऐसा कह रही हैं, हम और आप चाहे दुनिया का कोई भी आदमी शुरू शुरू में बच्चा ही रहा होगा। आखिर वह लड़की किरण अब उस लड़की को पप्पू के पास दे करके उस 2 महीने के लड़के को लेकर के गोद में ज्यों रखती है, पता नहीं कौन सी संवेदनशीलता आई, लड़का फिर चुप हो गया। अब उस लड़के को लेकर के गोद में सो गई, आरती अपने पापा पप्पू के पास सो गई। इसी बीच में जब जब वह लड़के को देती, पप्पू को रोना शुरू कर देता। इसी बीच में उस आरती का
कुछ ऐसा हुआ जिसको जिससे बाथरूम में उसको जाना जरूरी था, पप्पू लेकर के जाने लगा। किरण ने कहा कि नहीं, आप बच्चे को संभालिए, बच्ची है, मैं लेकर के जा रही हूं। और वॉशरूम से आई और रोते हुए बच्चे को फिर अपने गोद में ले ली। आखिर सो गया पप्पू, सो गई वह लड़की। और जब दोनों सवेरे जगे तो देखे कि लड़का बहुत हंस रहा है, उसको किसी ने मालिश किया है, नया कपड़ा पहनाया है। उन्होंने किरण से पूछा कि किरण जी, इस लड़के को कौन नहवाया, कौन कपड़ा पहनाया, कहां से कपड़ा पाया? उस लड़की ने कहा कि आप न नाराज हों, तो यह लड़का रात भर का रोया था, पेशाब कर दिया था, उसको मैंने साफ किया और सोचा कि जब इस बच्चे को आप लेकर के जा रहे हैं तो आपके बैग में जरूर इसके लिए कपड़े होंगे। माफ कीजिएगा, आप सारी रात के जगे थे, सो रहे थे, मैंने आपके बैग से तेल निकाला और आप ही के तेल से इसका मालिश किया, 2 महीने का बच्चा है और उसमें कपड़े रखे थे, हमने पहना दिया। हाँ जरूर, बात एक आपसे हाथ जोड़ करके कहती हूँ कि अपना बैग देख लीजिए, कहीं कुछ कीमती सामान रखे हों तो उसी तरह से है ना, मैंने सिर्फ कपड़ा ही निकाला है। ट्रेन चल रही थी, भावनाएं बह रही थी। हमारे आदरणीय पूजनीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि काशीनाथ, भावनाओं के रिश्ते खून के रिश्ते से ज्यादा मजबूत होते हैं। पता नहीं कौन किस जात का, पप्पू किस जात का, किरण किस जात की, धीरे 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 बंबई स्टेशन पर कामायनी एक्सप्रेस पहुंची। दोनों उतरे, दोनों आपस में अभी उनका इतना ही परिचय हुआ था कि वो जान गई थी कि इनका नाम पप्पू है और पप्पू जान गए थे कि इनका नाम किरण है। जब दोनों उतरे स्टेशन पर, तो किरण ने कहा कि अब तो बच्चे जा ही रहे हैं, इन दोनों बच्चों से मेरा इतना लगाव हो गया है कि अगर आप कहते तो मैं अपने साथ इनकी एक सेल्फी ले लेती। पप्पू ने कहा, इन बच्चों पर तुम्हारा ही अधिकार है। उसने पूछा कि आखिर हमने कभी 2 माह के बच्चे को किसी मर्द को ले जाते हुए नहीं देखा, हमेशा उसकी मां ले जाती है, आखिर क्या कारण हुआ कि आप दोनों बच्चों को, ठीक है 11 वर्ष की एक लड़की आरती है, लेकिन 2 महीने के बच्चे को ये बगैर मां के कैसे रह सकता है? उसने कहा कि किरण जी, मैं घर गया था, मेरी पत्नी भी थी, ये 2 बच्चे भी थे। उसने कहा कि हमें बंबई जाना है, मेरा बंबई में कारोबार है, मार्बल की दुकान है, बहुत बड़ी दुकान है, मेरे पिताजी भी हैं, मेरी माताजी भी हैं। तो हमने कहा कि चलो 2 दिन के बाद हम लोग बंबई चलेंगे, तो वो कहना नहीं मानी और वो 2 दिन पहले ही बंबई वाले घर में चली गई होगी। अब चली गई तो चली गई, उसके भी बच्चे थे तो हमारे भी तो बच्चे हैं। खैर, पप्पू अपने घर चला गया दोनों बच्चों को लेकर के, किरण अपने घर चली गई। ब
बहुत बड़ी दुकान थी पप्पू की, हैसियतदार था। दोनों बच्चों को लेकर के घर पहुंचा, माता पिता बूढ़े थे, बहुत खुश हुए कि मेरे दोनों बच्चे आ गए, मेरा पप्पू मेरे पोतों को लेकर के आ गया। किरण अपने घर गई, पप्पू बोरीवली में रहते थे और किरण भी मंडी में, उसका घर था, बड़ी गरीब थी। उसके भी माता पिता थे, भाभी और भाई थे, लेकिन बहुत गरीब थी। एक दिन बीता, दो दिन बीता, आखिर उन बच्चों का ख्याल इस लड़की को आने लगा। पता नहीं झूठ बोल रहे थे कि उनकी पत्नी आ गई है बंबई में, या क्या बात है, उन लड़कों की बड़ी याद आ रही है। और उसने तीसरे दिन टेलीफोन किया पप्पू को कि भाई साहब, क्या मैं आपके घर बच्चों को देखने के लिए आ सकती हूं। पप्पू ने ही बड़े विनम्र भाव से कहा कि इन बच्चों की 24 घंटे की जिंदगी आपने दिया है, आपको इजाजत लेने की जरूरत नहीं, आप जब चाहें तब हमारे घर में आ सकती हैं। और मैं तो ये चाहता हूं कि हमारे पास सब कुछ है, अगर आप अपना पता बता देती तो मैं अपनी गाड़ी से आता और आपको ले आता। आखिर उसने इजाजत दिया, आई, बच्चों से प्यार की, उसके मां बाप से मिली। पप्पू ने पूछा कि आखिर मैंने टेलीफोन नंबर आपको दिया नहीं था, आपको कौन हमारा टेलीफोन नंबर दिया कि आपने हमसे बात किया। उसने कहा कि हमें मिल गया था, हमारा टेलीफोन खो गया था और साइलेंट जगह पर चला गया था, तो मैंने आपके टेलीफोन से अपने नंबर पर मिलाया, घंटी बजी, हमें टेलीफोन मिला और उसी टेलीफोन से हमने बात किया। उसने कहा, क्या करती हो किरण, कही कि ये बंबई है, यहां गुजर होना बड़ा मुश्किल है, मैं भी कहीं काम करती हूं, भैया भी कहीं काम करते हैं, भाभी भी कहीं काम करती हैं, माँ बाप पुराने हैं, उनकी देखभाल करना हम तीनों की जिम्मेदारी है। पप्पू ने कहा, किरण तुमने मेरे बच्चों को नई जिंदगी दी है, बेहतर होता कि तुम जितना कहती सैलरी में देता हमारे यहां तुम काम करती। उसने कहा कि भाभी भी तो भी आपके काम में हाथ बटाती होंगी। तब तक पप्पू की मां रोती हुई आई और कही कि बेटी, हम शुक्रगुजार हैं कि इस खानदान की पीढ़ी को तुमने 24 घंटे ट्रेन में जीवन दान दिया है। सच बात तो यही है जो पप्पू तुमसे नहीं बताया है, हमारी बहू इन दोनों बच्चों को छोड़ करके अपने मायके से किसी दूसरे के साथ भाग गई है। कैसे कहूं कि अब हमारा कोई नहीं है। अगर बेटी काम के बहाने तुम यहां आया जाया करोगी तो हम लोगों का भी दिल बहलेगा। उसने कहा कि नहीं, जब तक मेरे मां बाप भैया और भाभी इजाजत नहीं देंगे तब तक हम आपके यहां नौकरी नहीं कर सकते। आखिर ये दोनों पुरानी बूढ़े बूढ़ी गए और किरण के मां बाप से, भाभी से, भैया से बात किए कि भाई ये ट्रेन में हमारे बच्चों को नई जिंदगी दी है किरण, बेहतर होता कि हमारे यहां, अगर कहीं ड्यूटी ही करती हैं हमारे यहां करें,
खैर इजाजत दिए, किरण वहां पर नौकरी करने लगी। धीरे धीरे पप्पू ने उनके माँ बाप को, जो घर में रहते थे किरण के, बढ़िया टाइल्स बनवा दिया। हालांकि वो इनकार करते रहे, खूबसूरत घर बनवा दिया। और मार्च के महीने में किरण के पापा मम्मी भाई और भाभी शादी करने के लिए देहात में कहीं पर जाकर के एक लड़के से तय किए थे। अब तो जब शादी तय हो गई तो किरण को ससुराल जाना पड़ेगा। किरण ने बताया कि अब मेरे शादी के 6 दिन बाकी रह गए हैं, इन बच्चों का ख्याल कीजिएगा क्योंकि इन बच्चों से मेरा बड़ा लगाव हो गया है। और जाकर के पप्पू के मां बाप का हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कि आखिरी दिन मेरी ड्यूटी की है, 6 दिन मेरी शादी के रह गए हैं, अब कल समय नहीं आ पाऊंगी। पप्पू के मां बाप ने कहा, बेटी तुम्हारा इन बच्चों से लगाव हो गया है और हम लोगों का तुमसे लगाव हो गया है। बेटी 26-27 वर्ष की तुम हो, 31-32 वर्ष का मेरा बेटा पप्पू है। सब कुछ है हमारे पास, अगर तुमने इस पप्पू के बच्चे को 24 घंटे जीवन दिया है तो बाकी जिंदगी पप्पू के लिए देने के लिए तुमसे हम लोग हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं। उसने कहा कि विनती मत कीजिए, हम लोग गरीब आदमी हैं, बिना मां बाप के इजाजत के हम लोग कहीं शादी नहीं कर सकते। हां बच्चों से लगाव है, इस घर से लगाव हो गया है, बच्चों से लगाव हो गया है, आप लोगों से लगाव हो गया, पप्पू से भी लगाव हो गया है, लेकिन जब तक मेरे माँ बाप भैया भाभी राजी नहीं होंगे तब तक मैं अपनी मर्जी से नहीं शादी कर सकती। हाँ अगर वो राजी हो जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आखिर ये बूढ़ा बूढ़ी गए लोग वहां पर और हाथ जोड़ करके विनती किए उस गरीब मां बाप से किरण के कि हम लोग आपसे अपने घर की बहू बनाने के लिए लड़की मांगने आए हैं, किरण को मांगने आए हैं। प्रार्थना है इजाजत दें कि हमारे और आपके संबंध हों, हम आप समधी हो जाएं और किरण पप्पू की हो जाए, पप्पू किरण के हो जाए। मेरे दोस्तों शादी पक्की हो गई, 9 जुलाई को, आज 8 तारीख है, 9 जुलाई को बंबई के अंदर बोरीबली में आलीशान शादी का इंतजाम है। मैं भी उसी केबिन में उसी कोच में जा रहा था, हमसे भी बातचीत हुई पप्पू से और पप्पू ने यह सोचा कि एमएलसी साहब हैं और जो करकर करकर जो महिलाएं कर रही थी बच्चे के रोने पर उनको हमने चुप कराया था, तो किरण को और पप्पू को यह बात अच्छी लगी थी। हमारा मोबाइल नंबर भी ले लिए थे और मोबाइल नंबर पर उन्होंने बात किया और मेरे मोबाइल पर शादी का कार्ड कि एमएलसी साहब निवेदन है कि आप 9 जुलाई को हम लोगों के शादी में जरूर शरीक हों।
कामायनी एक्सप्रेस को धन्यवाद, उस एसी थर्ड क्लास के कोच को धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद किरण को। एक बार भी नहीं सोचा कि ये दूसरे का बच्चा है और उन दो माह के बेटे और 11 वर्ष की लड़की ने एक ऐसा रिश्ता कायम कर दिया कि जो इस जमाने में मिसाल है। आज ही मैंने फ्लाइट का टिकट लिया है और मैं यात्रा करने जा रहा हूं चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ पर, उस शादी में जाने के लिए कल ही है। मैंने सोचा कि अगर इस आलीशान शानदार और मन की शादी जो अटूट रहेगी, अगर इस सच्ची घटना को आपसे शेयर न करूं तो कहीं से न कहीं अपने को अपराधी हो साबित कर लेता। इसलिए मैं जमाने से निवेदन करूंगा कि शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें दो अनजान दिल आपस में मिल करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, और ऐसी शादी शायद देखने को कहीं कहीं मिलेगी, कभी कभी मिलेगी। हमें भी सौभाग्य है कि मैं उस शादी में जा रहा हूं, और इस शादी के लिए आपसे भी कहूंगा कि पप्पू को और किरण को आप अपनी तरफ से दर्शक श्रोतागण शुभकामनाएं देने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, प्रणाम।